ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करप्ट है, कभी आप देखिएगा मनहूस चेहरे होते हैं, मनहूस। ये हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर ममनून हुसैन, जिनकी सियासी बसीरत का आज हर कोई कायल नजर आता है। जनाब सदर ने एक साल कबल पनामा स्कैंडल पर बात की और बताया कि पनामा स्कैंडल पर मिट्टी नहीं डाली जा सकेगी, बल्कि इसमें मुलव्वस अफराद के चेहरे बेनकाब होंगे। अब वो वक्त आ रहा है, ये जो पनामा लीक्स है जो आपने देखा है ना, ये मामला जो उठा है, ये भी कुदरत की तरफ से उठा है, और इसकी वजह से पता नहीं कौन कौन से मामला उठेंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं जो अपने बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हैं कि साहब हमने तो ये कर लिया वो कर लिया, उनका कुछ नहीं हो सकता। आप देखिएगा कैसे कैसे लोग पकड़ में आएंगे, ये बात मेरी याद रखिएगा। कभी कोई वाकया दो माह के बाद होगा, कोई चार माह के बाद होगा, कोई छह माह के बाद होगा, कोई एक साल के बाद होगा, ये अल्लाह का एक निजाम है। बुजुर्ग सियासतदान ने करप्ट अफराद के दर्जे भी बताए और इनके चेहरे कैसे होते हैं, इन पर भी भरी महफिल में पर्दा उठा दिया। कई एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े करप्शन के मैदान मारे हैं, लेकिन बहुत सीना तान के चलते हैं। जनाब के वो तो बड़े सोटिया सरदार हैं, वो तो कभी कोई गलत काम किया ही नहीं, उनसे ज्यादा तो मुल्क का हमदर्दी नहीं है। करप्ट लोगों में भी मुख्तलिफ दर्जात हैं, कोई बहुत ज्यादा करप्ट है, कोई दरमियाना करप्ट है, कोई तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करप्ट है। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करप्ट है, कभी आप देखिएगा मनहूस चेहरे होते हैं, मनहूस। सदर ममनून ने ये पेशगोई भी की कि ये मुल्क जितना खराब होना था हो चुका, अब ये आगे जाएगा। सदर ममनून हुसैन की ये तकरीर न सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, बल्कि सियासी हलकों में भी इस तकरीर के खूब चर्चे हैं।